गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने 7.4 में प्राचल समीकरणों से होने वाले अवकलन का तरीका सीखा था। आज उसी प्रोसेस में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं जिससे ये प्रश्नावली आसानी से समझ में आ सके। अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर 4। इसका अपन लेते हैं फर्स्ट पार्ट। एक्स की वैल्यू जो है वो अपने को दे रखी है साइन क्यूब की अपॉन रूट कॉस टू की, ये अपने को दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, टी के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू टी इसका अवकलन करेंगे। डीएक्स बाई डी टी निकालना चाहते हैं, तो तरीका अपना होगा यू अपॉन वी मेथड का। ये अपना यू और ये अपना वी, तो यू अपॉन वी मेथड अपन इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले वी का स्क्वायर यानी रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर, ये अपन ने नीचे ले लिया। अब इसी को स्थिर कर दिया है cos 2t और अवकलन किया sin क्यूब t का, तो हमने लिखा 3 sin स्क्वायर t, फिर sin t का किया cos t, पहले पावर का फिर sin का और t का हुआ 1 क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, फिर माइनस का sin यूज किया, sin क्यूब t स्थिर रखा और रूट का किया तो 1/2 रूट, 1/2 रूट रूट का होता है। और फिर अपन रूट के अंदर जो राशि कॉस टू टी है उसका करें तो -2 sin 2t, ये उसका अवकलन है। तो अपन देख रहे हैं यहां 2 से 2 कट जाएगा। अब ये एलसीएम ले लघुतम, तो रूट कॉस टू टी इस रूट कॉस टू टी से इंटू होगा और उसके बाद में ये आ जाएगा नीचे, तो यहां पावर 2 के बजाय कितनी पावर हो जाएगी, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और कॉस टू टी माइनस से माइनस इंटू हुआ प्लस साइन क्यू टी साइन टू टी और अपॉन में रूट कॉस टू टी होल क्यूब, 2 पावर पहले थी एक लघुतम वाली और आ गई, तो ये पावर हो गई अपनी कितनी, 3। अब हमारे पास जो ये राशि बन रही है इनमें से साइन स्क्वायर टी कॉमन आ सकता है, तो हमने साइन स्क्वायर टी को कॉमन निकाल लिया, 3 कॉस टू टी कॉस टी प्लस साइन टू टी साइन टी रह गया अंदर और नीचे ये कॉस टू टी की पावर 3/2 कर दें, रूट का मतलब हाफ होता है पावर का, तो 3 पावर का हाफ कर दिया 3/2। इधर चलते हैं इस 3 को 2+1 में तोड़ दिया, और अपॉन में जो चल रहा है वो चलने दिया, ठीक है जी। तो हम देख रहे हैं कि यहां कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी जैसा बन रहा है, जो होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो हमने यहां बना दिया साइन स्क्वायर टी 2 कॉस टू टी कॉस टी एज इट इज और इसमें लिख दिया कॉस ए माइनस बी और अपॉन में ये जो चल रहा है कॉस टू टी की पावर 3/2 वो एज इट इज। अब देखिए कॉस टू टी में से टी जाएगा तो कॉस टी बचेगा और यहां भी क्या है कॉस टी, तो दोनों जगह से मैं कॉस टी को
कॉमन निकाल लेता हूं, तो हमारे पास ये चीज क्या बन रही है कि हमने पहले से बाहर है साइन स्क्वायर टी, कॉस टी और बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या रह गया, टू कॉस टू टी और प्लस वन, और नीचे चल रहा है कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू। ठीक ऐसे ही अब y का मान दे रखा है कॉस क्यू टी अपॉन रूट कॉस टू टी, ये अपना y का मान दिया हुआ है। और जब अपन इसका भी इसी तरह से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास ठीक इसी प्रकार की राशि इसमें भी आएगी। कैसे, dy बाय dt ले, ये वही u अपॉन v डालेंगे, इधर वो v को स्थिर करेंगे, पहले इसका करोगे तो 3 cos स्क्वायर t माइनस साइन t, फिर फॉर्मूले का माइनस है cos क्यूब t स्थिर, और इसका किया तो 1 अपॉन टू रूट cos 2t और फिर इंटू में माइनस टू साइन 2t। ठीक है, वो एलसीएम लेकर इसकी पावर बढ़ा दो, और यहां माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस टू टी और प्लस कॉस क्यूब टी साइन टू टी अपॉन में रूट कॉस टू टी की पावर 2। जैसा अभी चल रहा था वैसे का वैसा ही प्रोसेस इसका है। अब हमारे पास ये राशि बन रही है, इन दोनों में से कॉस स्क्वायर टी को अपन कॉमन ले लें, माइनस चिन्ह के साथ में ले लें, तो माइनस कॉस स्क्वायर टी हमने कॉमन लिया तो यार आ गया 3 कॉस टू टी साइन टी, और इधर रह गया कॉस टी और साइन टू टी अपॉन में जो एलसीएम इसका आया था वो इसकी पावर 3 कर देगा, तो यहां पर कॉस टू टी की पावर 3 बाय 2। वही 3 को 2 प्लस 1 में फिर से ब्रेक करना है, तो माइनस कॉस स्क्वायर टी 2 कॉस 2 टी साइन टी प्लस कॉस 2 टी साइन टी प्लस साइन 2 टी कॉस टी और अपॉन में कॉस 2 टी की पावर 3 बाई 2। यह आपने देखा यहां पर ये इस तरह से बन गया। अब इस पर ध्यान दें तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये माइनस अपन ने कॉमन लिया था तो अपन सॉरी हम माइनस लगाना भूल गए, तो ये माइनस में है, तो अपन इसको ध्यान से देखें तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है, तो ये तो मैं रख रहा हूं अभी अपने को ये काम आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी फर्स्ट रिजल्ट है, ये तो काम आने वाला है अभी, बाकी थोड़ा मिटाते हैं और dy अपॉन dt देखते हैं क्या बन रहा है। तो अपन ने यहां देखा dy अपॉन dt की अब बात कर रहे हैं, इसमें से माइनस कॉस स्क्वायर टी बाहर चल रहा था, अंदर 2 कॉस 2 टी साइन टी एज इट इज है, और इन दोनों में से माइनस रखूं बाहर तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है, और नीचे जो चल रहा है कॉस टू टी की पावर 3 बाय 2 एज इट इज। अब आप देख रहे हैं ये साइन टी बनेगा और ये भी साइन टी, इसको भी बाहर निकाल लें तो माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन टी 2 कॉस 2 टी
माइनस वन अपॉन कॉस टू टी की पावर 3/2, ये सेकंड रिजल्ट हो गया। अब डीवाई बाय डी एक्स चाहिए तो इसमें इसका डिवाइड देते हैं, तो डीवाई बाय डी एक्स, और जब आप डिवाइड करेंगे तो एक तो ये कैंसिल हो जाएगा लघुतम से लघुतम, एक कॉस से एक कॉस जाएगा, एक साइन से एक साइन जाएगा, तो बच क्या रहा है वो देखते हैं। चूंकि ये ऊपर है तो माइनस कॉस टी बचा, यहां ये कट चुका है, ये कट चुका है, एक कॉस कट चुका, साथ में ये ब्रैकेट 2 cos 2t - 1, और इसमें बचेगा एक तो साइन टी बाहर, साथ में ये ब्रैकेट 2 cos 2t + 1। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो cos 2t है इसमें cos 2a के फॉर्मूले डालता हूं। आप जानते हैं cos 2a क्या होता है, ये cos t as it is, इसको मैंने लिखा 2 into 2 cos² t - 1 - 1, और नीचे sin t चल रहा है तो उसको sin में बदलना है मुझे, 2 into 1 - 2 sin² t + 1। अब जरा ये सिंप्लीफाई कर ले अपन, ब्रैकेट क्या बनते हैं, आप देख रहे हैं कि यहां माइनस कॉस टी एज इट इज है, ये 4 cos² t - 2 - 1 - 3, और अपॉन में चले साइन टी एज इट इज है, अंदर 2 + 1 - 3 - 4 sin² t। अब ये कॉस टी और साइन टी भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस बाहर है 4 cos³t - 3 cos t, और अपॉन में नीचे आ रहा है 3 sin t - 4 sin³t, और आप जानते हैं क्या बनते हैं, ये है cos³t का फॉर्मूला और ये है sin³t का फॉर्मूला, और cos अपॉन sin किस में बदलता है, cot, तो माइनस cot 3t इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये dy by dx निकालने का तरीका है। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा बड़ा है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अब इससे अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, पांचवा, कि वो अपने को क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर अपने को दे रखे हैं, एक तो रूट वाले प्रोसेस है उसको देख सकते हैं या फिर जो पावर वाले प्रोसेस है उसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जैसे अपन ने सेकंड पार्ट लिया, एक्स और वाई, एक्स अपने को दे रखा है a cos³t और y अपने को दे रखा है a sin³t। ये दो चीजें अपने को दे रखी हैं और अपने से आंसर मांगा है कि क्या आना चाहिए, लेट्स सी। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, अवकलन कर रहे दोनों का ही, इसका किया, a तो कांस्टेंट है, cos³ का करेंगे तो 3 cos² t * cos t का किया तो -sin t, और इधर dy by dt किया तो वही 3 into a sin² t और cos t। अब dy by dx ये तो अपन क्या करते हैं, dy by dt में dy by dx by dt का डिवाइड करते हैं, ये तरीका अपना, तो आइए यहां भी अपना लेते हैं, 3a sin² t cos t - 3a cos² t sin t, 3a से 3a कैंसिल, एक साइन से एक साइन, एक कॉस से एक कॉस,
ऊपर साइन बचेगा, नीचे कॉस और माइनस का चिन्ह। और आप जानते हैं इसे टेन बोलते हैं। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी प्राचल समीकरण अपनी थी जिसका हमने अवकलन किया है। अब अपन लेते हैं इसी का सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसमें अपने पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू थी टी प्लस वन बाई टी, और एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स की वैल्यू थी टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर। और हमसे पूछा गया है कि आप प्रूव करें एक्स फोर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वन होती है, ऐसा साबित कीजिए। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो प्रूव करना है उसमें ये जो राशि है t माइनस वन बाई टी, इसका एक बार होल स्क्वायर करके देखते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ये बनेगा। अपने पास t माइनस वन बाई टी की वैल्यू है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर की वैल्यू है ये। तो मान रख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, और इधर एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स माइनस टू। अब इसे ओपन करें तो एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स प्लस टू एक्स क्यूब वाई क्यूब, और इधर एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स माइनस टू। तो एक्स सिक्स वाई सिक्स से एक्स सिक्स वाई सिक्स कट गया, हमारे पास जो बच रहा है वो टू एक्स क्यूब वाई क्यूब इधर बचा और माइनस टू इधर। तो अपन कह सकते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब हमारे पास माइनस वन है, और आप इससे वाई क्यूब निकाल लें तो माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब लिख सकते हैं। और अब अपन चाहते हैं किसका डिफरेंशिएशन किया जाए, यानी एक्स फोर वाई स्क्वायर के स्ट्रक्चर में इसका आंसर दिया जाए। तो दे देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, एक्स की पावर थ्री ऊपर लेके जाएंगे माइनस थ्री बने, उस माइनस थ्री को आगे लाएंगे तो यहां प्लस थ्री हो जाएगा, और फिर एक पावर कम करेंगे एक्स की घात माइनस चार और उसको नीचे लाएंगे तो प्लस चार। अब थ्री से तो थ्री कैंसिल हो गया और एक्स फोर का इधर इंटू कर दें तो जो प्रूव करवाया था वो आ गया एक्स फोर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वन। ये थी अपनी क्वेश्चन नंबर सिक्स वाली प्रॉब्लम। तो इसका होल स्क्वायर कर दे और सॉल्व कर ले, आपका काम आसानी से सरल हो जाएगा। तो ये तरीके थे अपने प्राचल समीकरण यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन वाले। अब हम चाहते हैं जो अगला तरीका सीखने जा रहे हैं वो लघु गुणकीय अवकलन का, यानी जिसमें लॉग मौजूद हो। जैसे y के ऊपर x पावर आ जाती है तो log मेथड सबसे बेस्ट होता है, यानी फलन की पावर फलन आ जाए, फंक्शन की पावर में भी फंक्शन हो तो हम उसे log मेथड से सॉल्व करते हैं, ज्यादा आसानी से हल होता है। एक्सरसाइज अब अपन पढ़ने जा रहे हैं 7.5।